हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज की वीडियो का टाइटल है लास्ट 60 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आपको नीट 2024 को क्रैक करना है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या नीट 2024 को क्रैक करना अभी भी पॉसिबल है जबकि हमारे पास सिर्फ 60 डेज ही बचे हैं। तो क्या अभी भी नीट 2024 को क्रैक करना पॉसिबल है? इज इट स्टिल पॉसिबल टू क्लियर 2024 नीट? तो आंसर है बिल्कुल आप नीट 2024 को क्लियर कर सकते हो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, है ना। प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। देखो 60 डेज कम नहीं है, है ना। ये जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं यही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अगर आपने इस टाइम में प्रॉपर मेहनत कर ली, प्रॉपर अपना टाइम डेडिकेट कर लिया, अच्छे से प्लानिंग कर ली और अपने रिविजन करी तभी आप क्लियर कर पाओगे। बेशक आप 1 साल 2 साल लगा के कितनी भी मेहनत कर लो, अगर लास्ट जो 2-3 महीने आपके पास उस टाइम में आपने अपना प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग नहीं किया, प्रॉपर रिविजन नहीं की, तो आपके जो 1-2 साल है वो प्रॉपर वेस्ट हो जाएंगे। तो जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं वो काफी ज्यादा क्रुशियल होते हैं, है ना। इस टाइम पे आपको प्रॉपर रिविजन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग सब कुछ करनी है टू क्रैक नीट 2024, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि क्रैक कैसे करें, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके अपना नीट 2024 क्रैक कर सकते हो इजीली, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्या अभी भी हमें नोट्स बनाने हैं? आई नो काफी बच्चे अभी भी नोट्स बनाने में लगे होंगे, है ना। बट आप खुद देखो ना, अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज है। 60 डेज का क्या मतलब हो गया, ओनली 2 मंथ्स, है ना। जो नोट्स बनाने का टाइम होता है वो आपका 1 या 2 साल होता है जो आप फुली डेडिकेट करते हो, है ना। इस टाइम पे नोट्स नहीं बनाए जाते, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जाती है। तो आई विल सजेस्ट कि अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको क्या करना है, अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं, है ना, अपना 1-2 साल लगा के आपने जैसे भी नोट्स बनाए हैं आप उनको पढ़िए, साथ में एनसीईआरटी को रीड करिए लाइन बाय लाइन, है ना। सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं और एनसीईआरटी को पढ़ना है। इन केस आपने 1-2 साल में नोट्स नहीं बनाए, है ना, आपने 2 साल लगा के कोई नोट्स नहीं बनाए, आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे थे, तो अब आपको क्या करना है, या तो आप काफी एजुकेटर्स हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनके नोट्स ले सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैं भी डालती रहती हूँ टेलीग्राम पे, या तो आप उनको पढ़ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, है ना, तो वहाँ पे जो आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं आप उनको पढ़िए, ठीक है। मॉड्यूल को फॉलो कीजिए, एजुकेटर के नोट्स को फॉलो कीजिए जो हैंड रिटन वो भेजते हैं टेलीग्राम पे, है ना, और अपनी एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। अब नोट्स बनाने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, है ना। नोट्स बनाने का काम आपका पिछले 1-2 साल था, है ना। अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बने हुए रखे हैं तो उनको पढ़िए, नहीं बने हुए रखे हैं तो अपने इंस्टीट्यूट या फिर अपने एजुकेटर्स के नोट्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। और एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो जो भी एनसीईआरटी के हाइलाइट्स हैं और नोट्स हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। मेरा टेलीग्राम है बायोलॉजी विद मानसी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी डालती हूँ, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए सभी को कि अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अब देखो आपके पास सिर्फ 60 डेज है, अब इन 60 डेज को कैसे डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए डिवीजन लेके आई हूँ 50 डेज एंड 10 डेज के हिसाब से। तो देखो जो स्टार्टिंग के 50 डेज है उसमें आपको क्या करना है, डेली एक चैप्टर पढ़ना है, किस किस का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का एक केमिस्ट्री का डेली, ठीक है। अभी मैं आपको आर्ट्स के हिसाब से भी डिवीजन बताऊंगी, डेली आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब देखो फिजिक्स के, मैंने यहाँ पे फिजिक्स क्यों इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज जो फिजिक्स होती है उसमें थोड़ा सा लेंथी चैप्टर होता है, है ना, तो वो एक दिन में नहीं हो पाता, तो आपको फिजिक्स को 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए 1 day 1 chapter और फिजिक्स के लिए 2 day 1 chapter, ये आपको फॉलो करना है 50 डेज के लिए, ठीक है। अब देखो और क्या करना है, अल्टरनेटिव डेज पे आपको एक मॉक टेस्ट देना है, जैसे आज संडे है, एक मॉक टेस्ट आज दे दिया, देन ट्यूसडे को दे दिया, देन थर्सडे को दे दिया, देन अगेन संडे, है ना। आपको हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट देने हैं अल्टरनेटिव डेज में, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है स्टार्टिंग के 50 डेज में, ठीक है। 1 day 1 chapter फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड 1 chapter in 2 days फॉर फिजिक्स, साथ में अल्टरनेटिव डेज पे एक एक मॉक टेस्ट, ठीक है। अब जो आखिरी के 10 दिन बचेंगे, है ना, जब आपका अप्रैल आ जाएगा उसके लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे उसमें आपको फिर यूनिट वाइज रिविजन करनी है। अभी तुम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग के 50 डेज में, 1 chapter डेली कर रहे थे, लास्ट के 10 डेज में आपको यूनिट वाइज रिविजन करनी है ना। जैसे एक दिन आपने प्लांट फिजियो की रिविजन कर ली, है ना, फिर एक दिन एनिमल फिजियो की रिविजन कर ली, है ना, ऐसे ऐसे आपको यूनिट वाइज रिविजन करना है इन द लास्ट 10 डेज, ठीक है। और उस टाइम पे आपको डेली मॉक टेस्ट भी देनी है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है 3 घंटे का।
ठीक है। तो स्टार्टिंग के 50 डेज में वन चैप्टर वन डे फिजिक्स के लिए, 2 डेज में एक चैप्टर, साथ में अल्टरनेटिव डेज पे एक एक मॉक टेस्ट, लास्ट के 10 दिनों में यूनिट वाइज रिवीजन, साथ में डेली एक एक मॉक टेस्ट आपको देना है। तो ये मैंने आपको बता दिया डेज के हिसाब से कि आपको डेज के हिसाब से कैसे अपना डिवीजन करना है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप श्योरली 600+ मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। आगे देखो अगला पॉइंट। अब देखो मैंने आपको मंथ का तो पूरा बता दिया, डेज के हिसाब से मैंने आपको डिवीजन बता दिया, अब हम बात करते हैं घंटों के हिसाब से, है ना। अब देखो एक दिन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स होते हैं। अब इस 24 आवर्स को ही आपको डिवाइड करना है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, और अपने मिसलेनियस थिंग्स में भी, जैसे नहाना है ना, खाना खाना, ये सब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मिसलेनियस थिंग्स देख लो, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि सभी अब 7 आवर्स की स्लीप ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं सोएंगे, है ना, क्योंकि अब सोने का टाइम जा चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपको 7 घंटे सोना है, इससे कम भी नहीं सोना, इससे ज्यादा भी नहीं सोना, है ना। अगर आप इतना स्लीप लोगे तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा और आप ओवर स्लीप भी नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको 7 घंटे डेली सोना है, ठीक है। 5 घंटे मैंने मान लिया कि आपका लंच, डिनर और नहाना धोना इन सब में चला गया, है ना। तो दिन के 12 घंटे आपके मिसलेनियस थिंग्स में चले गए, सोने में, खाने में, इन सब में, ठीक है। बाकी के 12 घंटे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है सुन लो। सबसे पहले आता है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर आपको रोज 3 घंटे थ्योरी करनी है, और मैंने आपको पीछे बताया था कि आपको एक दिन में एक चैप्टर करना है, एंड आई गेस 3 आवर्स में एक चैप्टर करना इजी है बायो का, है ना। तो आपको 3 घंटे लगा के एक चैप्टर करना है बायोलॉजी का डेली, ठीक है। साथ में 1 घंटा लगा के उसके MCQs करने हैं, तो 3 आवर्स फॉर थ्योरी एंड 1 आवर फॉर MCQs, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको सेम फॉलो करना है, 3 आवर्स फॉर थ्योरी एंड 1 आवर फॉर MCQs। सेम विद फिजिक्स, 3 आवर्स फॉर थ्योरी, 1 आवर फॉर MCQs। बट अगर आपको लगता है कि आपका बायोलॉजी में, बायोलॉजी का आपका एक चैप्टर 2 आवर्स में हो जाता है, तो आपको ये आर दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये सब वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, आपने बायो अच्छे से पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक जनरल बता दिया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए सेम बता दिया मैंने, बट ये वैरी करेगा। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री का 1 आवर निकाल के फिजिक्स को दे दो या फिर बायो को दे दो, फिजिक्स अच्छी है तो 1 घंटा इसका निकाल के केमिस्ट्री और बायोलॉजी को दे दो, ठीक है। तो ये सबके लिए वेरिएबल रहेगा, मैंने आपको एक इन जनरल बता दिया है। तो देखो 3 आवर्स थ्योरी, 1 आवर MCQ, 4 आर्स 12 आवर हो चुके हैं आपके फॉर द सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो आपको ये आवर्स का डिवीजन करना है, ठीक है। 7 आवर्स से ज्यादा नहीं सोना है, इट इज इनफ, ठीक है, इस टाइम के लिए, है ना। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा फिर आपको 6 आवर्स भी करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो हमने आवर्स का डिवीजन भी देख लिया, हमने डेज का देख लिया, हमने आवर्स का डिवीजन भी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइम वाइज शेड्यूल भी बता दो मैम, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम वाइज भी लेके आई हूँ आपके लिए कि आपको पर आर क्या क्या करना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि आप 7 आवर्स की स्लीप लोगे, ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ सभी 7 o'clock उठ जाएंगे, ठीक है। बट ये भी वैरी करेगा, अगर आप रात को अच्छा पढ़ते हो तो सुबह लेट उठ जाना, है ना, ये सब वैरी करेगा। मैं इन जनरल बता रही हूँ, ठीक है, इन जनरल बता रही हूँ, ठीक है। तो सुबह 7 बजे आपको उठना है, ठीक है। 7 to 10 आपको अपना पहला थ्योरी सेशन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि आप सुबह सुबह उठ के बायोलॉजी कर लो, क्योंकि जो बायोलॉजी होता है उसमें थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन ज्यादा रहता है, है ना, तो आपको अच्छे से याद रहेगा सुबह। तो सुबह 7 AM to 10 AM आपको पहला थ्योरी सेशन लगाना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट मत करना इस टाइम पे, अपना दूध वगैरह पी लेना, है ना, या फिर फ्रूट्स खा लेना। 7 AM to 10 AM आपको पहला अपना थ्योरी सेशन लगाना है, ठीक है। 3 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। देखो इस टाइम पे क्या होगा, जब अभी कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, 10-11 बजे उठ रहे होंगे, है ना, तो इससे क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि हमारा पूरा दिन ही खत्म होने वाला है, है ना। जब आप अपना एक थ्योरी सेशन सुबह कंप्लीट कर लोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मेरा एक चैप्टर, मतलब एक सब्जेक्ट तो मेरा खत्म ही हो गया, है ना। तो 7 AM to 10 AM आपको पहला अपना थ्योरी सेशन लगा देना है, ठीक है। फिर 10 AM to 11 AM आपको क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट करना है और नहाना है, मिसलेनियस थिंग्स करनी है, ठीक है। चलो फिर आता है 11 AM, ठीक है। 11 AM to 12 PM आपको अपना थ्योरी सेशन 2 लगाना है, इसके अंदर आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, है ना, इसके अंदर आप केमिस्ट्री अपनी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपने कर लिया अपना थ्योरी सेशन 2। तो देखो 2 बजे तक आपके 2 थ्योरी सेशन कंप्लीट हो गए, ऑलमोस्ट आपका 60% काम खत्म हो गया दिन का, है ना, 2 बजे तक, ठीक है। बस यहीं तक आपको अपना मेहनत करना है, उसके बाद ज्यादा काम आपका दिन का नहीं बचा है। फिर देखते हैं, फिर 2 PM to 3 PM लंच कर लो, है ना, 15-20 मिनट लगते हैं लंच करने में, और एक छोटा सा नैप ले लो, ठीक है। अब देखो
3 से 5 बजे तक, इस टाइम पे जो हमारा माइंड होता है वो काफी ज्यादा स्लीपी होता है ना। इस टाइम पे अगर आप थ्योरी करोगे तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा स्लीपी मूड हो जाता है सभी का। तो आई विल सजेस्ट इस टाइम पे आप एमसीक्यूज अपने सोल्व कर लो, है ना। सुबह आपने 2 थ्योरी सेशन लगाए थे, एक 7 to 10 और एक 11 to 12, है ना। इसमें आपने जो भी पढ़ा, जो भी आपने बायो का केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, इस टाइम पे आपको उसके एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। आई नो अभी काफी ज्यादा बच्चे बहुत सारे एमसीक्यूज कर रहे होंगे, 500 600 एमसीक्यूज पर चैप्टर, इतने करने की नीड नहीं है। आपको मैक्सिमम 150 to 200 एमसीक्यूज ही करने हैं पर चैप्टर, ठीक है। अगर इसमें से आपके 10 12 क्वेश्चन ही गलत होते हैं, बाकी सब सही है, तो समझ जाना कि आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एमसीक्यू सोल्व नहीं करने हैं, पूरा जो आपका एग्जाम है वो एक चैप्टर से नहीं आएगा, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। तो हर एक आपको चैप्टर करना है, और ऐसे करना है कि उतना ही करना है ना, एक्स्ट्रा नहीं करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि एग्जाम एक चैप्टर से नहीं आएगा, आपके पूरे सिलेबस से आएगा, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो 150 to 200 क्वेश्चन पर चैप्टर, आई गेस इट इज इनफ, ठीक है। उसी से आपको पता लग जाएगा कि हाँ आप की प्रिपरेशन सही हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो 3 PM to 4 PM अपना बायो के एमसीक्यूज कर लो, 4 PM to 5 PM अपने फिजिक्स के या फिर जो भी आपने पढ़ा था केमिस्ट्री के उसके एमसीक्यूज कर लो, ठीक है। जो भी सुबह पढ़ा था उसके एमसीक्यूज यहाँ पे कर लो। तो देखो दिन शाम के 5 बजे तक आपके 2 सब्जेक्ट प्रॉपर कंप्लीट हो गए, थ्योरी भी हो गई और एमसीक्यूज भी हो गए, है ना। फिर 5 PM to 6 PM आप ब्रेक ले सकते हो, है ना, कुछ भी अपना फोन चला सकते हो, टीवी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेना भी जरूरी है। फिर 6 PM to 9 PM आप करोगे अपना थ्योरी सेशन 3, है ना। इसके अंदर आप अपनी करोगे अब फिजिक्स, जो भी आपने चैप्टर सोचा है वो आप करोगे फिजिक्स का 6 PM to 9 PM। अब रात के 9 बजे तक आपका ऑलमोस्ट 90% काम खत्म होने वाला है। फिर 9 PM to 10 PM अपना डिनर करो, अपनी फैमिली को टाइम दो, है ना, वो भी जरूरी है। फिर 10 PM to 11 PM अपना जो भी आपने इस टाइम पे पढ़ा था उसके एमसीक्यूज कर लो, है ना। फिर 11 से 12 बजे तक अपना थोड़ा सा रिवीजन करना है, रिवीजन करो, अगर पढ़ने का मूड नहीं है तो फोन चलाओ, कुछ भी कर सकते हो, है ना। और पूरे 12 बजे फिर से सो जाओ और रेडी रहो अगले दिन के लिए, है ना। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अगले दिन की प्लानिंग भी कर सकते हो, है ना। अपनी प्लानिंग एक दिन पहले ही करके चलो कि हाँ कल मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर करना है, फिजिक्स का ये करना है, बायो का ये करना है ना। तो ये आपका प्रॉपर मैं बता रही हूँ टाइम शेड्यूलिंग है, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर, मतलब कि अगर आपको रात को पढ़ना पसंद है, सुबह पढ़ना पसंद है, तो उसके हिसाब से वेरी कर सकता है, बट ये मैंने इन जनरल बताया है। ऐसे ऐसे आप अपने टाइम स्लॉट्स को वेरी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप दे रही हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, लास्ट टाइम भी मैंने काफी बच्चों का देखा था, क्या हो रहा था, जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके साथ क्या दिक्कत आती है, उनको OMR शीट नहीं भरनी आती है ना, OMR शीट भरने में दिक्कत आती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप क्या करिए, हर संडे एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने जरूर जाइए। जरूरी नहीं है कि आपको टॉप इंस्टीट्यूट में ही जाना है, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई लोकल इंस्टीट्यूट भी है जो नीट और JEE की तैयारी करवाते हैं, आप वहां पे भी जाके अपना OMR फिलिंग कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप हर एक संडे एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है, चाहे लोकल इंस्टीट्यूट हो या टॉप इंस्टीट्यूट हो। इससे आपको पता लगेगा कि OMR फिलिंग कैसे करते हैं, है ना, और वो इन्वायरमेंट का भी आपको पता लगेगा कि कैसे उस इन्वायरमेंट को हैंडल करना है, उस स्ट्रेस को हैंडल करना है जब आपके पास कम टाइम बचेगा और क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो OMR फिलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको जरूर करना है। जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफलाइन जो पढ़ते हैं उनके लिए तो इजी है, वहां पे इंस्टीट्यूट में तो होती है ना OMR फीलिंग, वो तो होती है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं यूट्यूब से या फिर कोई भी ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। हर एक संडे ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर देना, ये मस्ट है, ठीक है। और आपको अपने स्कोर को और अपने सिलेबस कंप्लीशन को भी इवेल्युएट करना है हर एक हफ्ते, ठीक है। अपना क्या कीजिए, ग्राफ जरूर बनाइए, है ना। आप क्या कर सकते हो, अपना ग्राफ परफॉर्मेंस ग्राफ बना सकते हो। परफॉर्मेंस ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने अपना स्कोर लिख लिया, यहाँ पे डेज लिख लिया, तो स्कोर के हिसाब से आपका जो ग्राफ है वो कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे की तरफ जा रहा है मतलब आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं जा रही, ठीक है, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो अपने स्कोर को इवेल्युएट कीजिए हर हफ्ते लगा के, और अपना देखिए कि आपने कितना कितना सिलेबस कंप्लीट किया है हर वीक, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रो टिप, आई होप सभी को वीडियो समझ में आई होगी कैसे कैसे आपको अपना टाइम शेड्यूल करना है। आप अपना आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, है ना, तो आपको 1 घंटा लगा के क्या करना है, अपना शेड्यूल बनाना है कि हाँ मुझे इस हफ्ते में ये कंप्लीट करना है, इस हफ्ते में ये कंप्लीट करना है, जिसके वजह से क्या होगा, आपके पास एक शेड्यूल रहेगा कि हाँ मुझे ये ही करना है, ठीक है, एक पाथ रहेगा, है ना। तो ये सब आपको फॉलो करना है। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। इसकी जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, है ना। अब टाइम बहुत कम है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।